सो हाय गाइस, दिस इज़ करण। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी अजीब प्रॉब्लम के बारे में जो आपको रेयरली दिखाई देती है अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। इसमें क्या होता है कि आपका फोन तो काम कर रहा होता है, आपका फोन ऑपरेशनल कंडीशन में भी होता है, लेकिन आपकी स्क्रीन या फिर डिस्प्ले में आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। और उस कंडीशन में जब भी आप अपने फोन के पावर बटन या फिर वॉल्यूम बटन को दबाते हैं तो आपको खाली वाइब्रेशन देखने को मिलती है अपने फोन में, और आपके फोन के डिस्प्ले में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और आपके फोन की डिस्प्ले पूरी ब्लैकआउट देखने को मिलती है। तो इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, और आपको बताएंगे कि इस वाली प्रॉब्लम को आप खुद से ही कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वाली कंडीशन में आपको अपने फोन के डिस्प्ले में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब किसी के भी साथ ये चीज पहली बार होगी तो वो तो पहले डर जाएगा, उसको तो लगेगा कि मेरे फोन की डिस्प्ले चली गई, अब तो फोन की डिस्प्ले चेंज करानी पड़ेगी और काफी खर्चा भी आएगा। लेकिन जो भी इस वाली वीडियो को देख रहा है वो समझदार है, क्योंकि उसको पता है कि इस वाली प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करना है। क्योंकि इस वाली कंडीशन में आपके हार्डवेयर में कोई इशू देखने को नहीं मिलता है, इशू होता है आपके सॉफ्टवेयर में। क्योंकि वाली प्रॉब्लम आपको अपने फोन में खाली एक छोटे से सॉफ्टवेयर बग की वजह से देखने को मिलती है, जिसमें आपकी फोन की डिस्प्ले पूरी ब्लैकआउट हो चुकी होती है। इस प्रॉब्लम को हम डेड स्क्रीन इशू भी बोलते हैं। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम आपको कभी भी अपने स्मार्टफोन में देखने को मिलती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली प्रॉब्लम को आप खुद ही से काफी इजीली रिजॉल्व भी कर सकते हैं, आपको किसी भी सर्विस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपको कभी भी ये प्रॉब्लम अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में देखने को मिलती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए खाली आपको अपने एंड्रॉइड फोन का पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका फोन रीबूट या फिर आप कह सकते हैं रिस्टार्ट मोड में चला जाएगा, और जैसे ही आपका फोन पावर ऑन हो जाएगा आपको अपनी फोन की डिस्प्ले दोबारा से देखने को मिल जाएगी, आपके फोन की डिस्प्ले दोबारा वर्क करने लग जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं कि आप अपने फोन के डेड स्क्रीन इशू को कितनी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डेड स्क्रीन इशू आपको अपने फोन में कभी कभी देखने को मिलता है, ये इशू काफ़ी रेयरली होता है कि ये आपके फ़ोन में देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर ये इशू आपको अपने फ़ोन में तब देखने को मिलता है जब आप अपने फ़ोन में नॉन सपोर्टेबल एआर कैमरा डाउनलोड करते हैं, तब ये इशू आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इससे बढ़िया एआर कैमरा डाउनलोड ही ना करो जो आपके फ़ोन में सपोर्ट ना कर रहा हो। लेकिन अगर आपको फिर भी दिखाई देता है अपने फ़ोन में ये वाला इशू, तो अगर आपको कभी भी अपने फ़ोन में ये वाली प्रॉब्लम दिखाई देती है तो इसको आप काफ़ी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पता चला अपना फ़ोन सही में गिरा दिया और डिस्प्ले टूट गई फिर ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, तब तो ही ना सही होगी, डिस्प्ले तो चली गई ना, तब डिस्प्ले वापस नहीं आएगी, फोन ही रिपेयर करना पड़ेगा और मोटा खर्चा आएगा। तो इससे बढ़िया है कि अपना फोन संभाल के रखो। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जोर दबाएं। और अगर आप अमेज़न से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।